नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। मेरा नया उपन्यास साक्षी है समय यश पब्लिकेशंस नई दिल्ली से प्रकाशित होकर आया है और इसका विधिवत विमोचन विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान नई दिल्ली में 8 जनवरी को किया जाना है। आज मैं इसी उपन्यास से एक अंश आपके लिए लेकर आया हूँ, लेकिन उसके प्रस्तुतिकरण से पहले कथानक को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। कथानक इस तरह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के कुछ छात्र अपने अध्ययन दौरे पर असीरगढ़ पहुंचते हैं, जहां उन्हें यह ज्ञात होता है कि इस किले के विषय में मान्यता है कि यहां पर सदियों भटकते रहने के लिए शापित अश्वत्थामा कतिपय लोगों द्वारा देखे गए हैं। छात्र उत्साहित होते हैं और वे किले पर ही रात रुककर कैंप फायर करने का निश्चय करते हैं। घटनाक्रम कुछ इस तरह बनता है कि अश्वत्थामा बाध्य होकर उनके सामने आते हैं। इस उपन्यास से मैं आपके लिए एक अंश पढ़ रहा हूँ। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश सरकार के गेस्ट हाउस ताप्ती रिट्रीट का यह कमरा बिल्कुल कोने में था। अंशिका की प्रवृत्ति में उतावलापन अवश्य है, वह उतना ही एकांत प्रिय थी। इस समय चुपचाप रहना और चाहकर भी रूम पार्टनर श्रेया को अनसुना करना संभव नहीं था। अंशिका के दिल दिमाग में अश्वत्थामा किसी चलचित्र की भांति घूम रहा था। वह बार बार महाभारत युग में पहुंच जाती, आंखों के आगे बलिष्ठ किंतु जख्मों से भरे एक व्यक्ति की कल्पना आकार ले रही थी। बड़ा सुंदर गाउन है, कहां से लिया था? श्रेया ने इधर उधर टहलती अंशिका की बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए पूछा। तू सुन रही है? हाँ, सोच तो, अगर सच में अश्वत्थामा हमारे सामने आ जाए तो। ले, मैं गाउन की बात कर रही हूँ, तू सॉरी यार, मैं कुछ और ही सोच रही थी। पिंक गाउन पहनकर यूं मधुबाला के स्टाइल में टहलते हुए अश्वत्थामा के ख्यालों में खोए रहना, तुझे इश्क हो गया है? हाँ, कोई और नहीं मिला मुझे। यहाँ किस्मत ले आई है, लपक ले, अखंड सौभाग्यवती रहेगी, मार खाएगी। बाय द वे, अश्वत्थामा की पत्नी का क्या नाम था? पता नहीं, क्यों? तुझे लेकर इस लोकेशन पर पीरियड फिल्म बनाऊंगी, पुनर्जन्म बेस्ड, 5000 साल बाद। नाम कैसा रहेगा? बस कर यार, सोच कर देख तो, अगर सच में अश्वत्थामा हमारे सामने आ गया तो क्या प्रतिक्रिया होगी हमारी? मेरा तो हार्ट अटैक, श्रेया ने आंखें मटका कर कहा। हम कुछ पलों के दर्द से बेचैन हो जाते हैं। कल्पना कर कि 5000 साल से लगातार आत्मग्लानी से जूझते हुए पूरे शरीर पर जख्मों का बोझ लिए हुए भटकते आदमी की क्या मनोदशा होगी। मिथक है यार, ऐसा कभी हो सकता है? कितने लोगों ने देखा है उसे, अंशिका ने तर्क दिया। उनका भ्रम होगा, कोई साइकोलॉजिकल समस्या होगी। यार, उस किले में अगर रात को हम चले तो? पहली बात तो खड़ूस प्रोफेसर परमिट नहीं करेगी, दूसरी बात कि क्यों रात की मीठी नींद खराब करनी है? क्या पता सपने में अभिषेक बच्चन आ जाए। अभिषेक को तू ऐश्वर्या के लिए छोड़, प्रोफेसर कुमुद को कुछ मेकअप टिप्स दे, मान जाएगी। तेरी भूतिया कहानी के लिए मैं अभिषेक का बलिदान नहीं कर सकती। विभास ये काम कर सकता है। इंटरकॉम लगा, बुला उसको कमरे में। छी, भले घर की लड़कियां यूं सरे शाम किसी लड़के को कमरे में नहीं बुलाती। तू फोन लगा रही है कि तेरी भलाई निकालूं? लगाती हूं, चिमट मत। विभास को आश्चर्य हुआ कि अंशिका रात असीरगढ़ किले पर जाना चाहती है। उसे इस प्रस्ताव से खुशी ही हुई। मंदिर के पास कैंप फायर करने की योजना बन गई। एक एक करके सभी साथी कमरे में चर्चा के लिए बुला लिए गए थे। किले में रात गुजारने का रोमांच अनुभव करने में किसी को समस्या नहीं थी। अब केवल प्राध्यापिका से अनुमति प्राप्त करना शेष था। चलो मैडम के कमरे में चलते हैं, अभिनव ने योजना में उत्साह दिखाया। अंशिका, तू गार्डन से गुलाब तोड़ला, वो खिड़की के सामने ही दिख रहा है, विभास ने कहा। गुलाब क्यों? तू ला तो सही, फिर देख उसका कमाल। गुलाब ने सचमुच काम किया था। प्रोफेसर कुमुद प्रायः स्टडी टूर पर जाते हुए बच्चों के प्रति सख्ती का भाव रखती थी, फिर भी छात्र छात्राओं के लिए उनके मन का एक कोना लचीला था। मैडम, इससे अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज फिर नहीं लिया जा सकता, अभिनव ने जान बूझ कर यह वाक्य जोड़ा था। मुझ पर आप सभी की जिम्मेदारी है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाब मुझे ही देना है। गाइड बता रहा था कि कैसी भूतिया जगह है, कुमुद ने विद्यार्थियों को टालने का आखिरी प्रयास किया। मैडम, आपने ही कहा था, मिथक और मान्यताओं पर नहीं चलना चाहिए, प्रज्ञा ने आग्रह के शब्दों में कहा। बात केवल इतनी ही नहीं है, रात भर एक सुनसान खंडहर में रुकना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। नंदिनी ने भी इस अनुभव को हासिल करने में रुचि प्रदर्शित की। अब तुम शैतानों की राय से अलग तो मैं जा नहीं सकती। अभिनव, यहाँ आसपास किसी दुकान से एक दो बड़ी टॉर्च या सर्च लाइट रख लेना। विभास, अगर कोई स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ चलना चाहे तो बात करो। मैंने गाइड का फोन नंबर ले लिया था, उससे बात करता हूँ। अगर सच में अश्वत्थामा, अंशिका ने बोलना चाहा। चुप, सबने लगभग एक साथ कहा और इसी के साथ सभा विसर्जित हो गई।
शाम की लालिमा अब ढलने पर थी। गाड़ी असीरगढ़ किले की ओर बढ़ रही थी। आसपास फैला सन्नाटा वातावरण को अधिक डरावना करता प्रतीत हो रहा था। केवल हेडलाइट की रोशनी और उससे चमकती सड़क के अतिरिक्त आसपास का घटा टोप अंधकार रहस्यमय कहानियों को स्वतः जन्म दे रहा था। पीछे से एक और गाड़ी आ रही है। प्रज्ञा पिछली सीट पर बैठी हुई थी। उसने अपनी ओर चमकती दो रोशनियों को देखकर प्रतिक्रिया दी। होंगे हमारे ही तरह के पागल, प्रोफेसर कुमुद ने कहा, हालांकि वह तनाव में लग रही थी। अच्छा है, इस खंडहर में हम अकेले नहीं होंगे, नंदिनी के स्वर में आश्वस्ति थी। इसका अर्थ है रात को भी लोग इस किले में आते हैं, अभिनव ने कहा। लगता तो नहीं इत्तफाक होगा कि दो दल आज एक स्थान पर रात गुजारने की सोचकर पहुंच गए हैं। मैंने गाइड से रिक्वेस्ट भी की लेकिन वह रात को चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आसपास के कुछ लोगों से भी बात की लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था। विभाष को पीछे से वाहन के आने पर आश्चर्य हो रहा था। अब जो भी हो, एक से भले दो, प्रज्ञा ने कहा और हाथ में थामे पर्स का फ्लैप खोलकर उसमें लगे आईने में खुद को निहारने लगी। गाड़ी किले की तलहटी में रुक गई। ड्राइवर अकेला नीचे रुकने की हिम्मत नहीं जुटा सकता था। उसने समूह के साथ शिव मंदिर तक चलने में भलाई समझी। सर्च लाइट की व्यवस्था हो गई थी, अतः उसके उजाले ने सभी में हिम्मत का संचार किया। किले का द्वार खुला हुआ था। गाइड ने विभाष को बता दिया था कि रात में किले के द्वार को बंद करने जैसी औपचारिकता नहीं की जाती है। जब वे सभी शीर्ष पर पहुंचे उसी समय नीचे की ओर से उन्हें गाड़ी के तेज ब्रेक लगाकर रोके जाने की आवाज सुनाई दी। यहाँ कौन सा ट्रैफिक है जो इतनी तेज ब्रेक लगा रहा है, प्रज्ञा को असहज लगा। शरारती तत्व तो हो सकते हैं, इग्नोर देम, प्रोफेसर कुमुद ने कहा और हाथ से सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का इशारा करने लगी। आग जलाने की व्यवस्था तो है, लकड़ियां आसपास से देखनी होंगी। मैंने सामान में एक दराती रख ली है, विभाष ने जोड़ा। पूरा इलाका ही जंगल है, वहीं बहुत सूखी लकड़ियां पड़ी मिल जाएंगी, अभिनव ने कहा। किले के शीर्ष पर पहुंचने के पश्चात सारा ही मैदानी परिक्षेत्र है। दल के पुरुष सदस्य दोनों ओर से रोशनी दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे जबकि छात्राएं तथा प्रोफेसर कुमुद बीच में चलती हुई खामोश बनी हुई थी। सभी ने हिम्मत तो कर ली लेकिन डरे हुए भी थे। ड्राइवर हाथों में खाने पीने का सामान लिए पीछे पीछे चला आ रहा था। मंदिर को सामने देखकर सभी ने राहत की सांस ली। किले के एक छोर पर यह स्थित मंदिर जमीन में धसा हुआ सा लगता है। चारों ओर अवशेषों के अतिरिक्त गहरी खाइयां हैं जिन्हें इस समय अंधकार ने निगल लिया था। अश्वत्थामा ने क्यों चुनी होगी यह जगह, अंशिका मंदिर के करीब पहुंचते ही बोल पड़ी। तू उसी से पूछ लेना, तेरी फैंटेसी के कारण ही आज का रथ जगा हो रहा है, बनावटी नाराजगी से श्रेया ने कहा। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है। कैंप फायर का आइडिया किसका था? चुप रहो लड़कियों, पहले व्यवस्थाएं पूरी कर लो फिर झगड़ती रहना, कुमुद ने बीच बचाव किया। वहां टॉर्च की रोशनी दिख रही है। जो गाड़ी से आए थे वो लोग वही किले की दीवार के पास हैं, प्रज्ञा ने इशारा किया। छोड़ना उनको, नंदिता ने कहा और फिर मंदिर के अहाते में बिछाने के लिए बैग से चादर निकालने लगी। सामूहिकता से कई कार्य सहज हो जाते हैं। इस सुनसान स्थान में अकेले आने की सोचना भी संभव नहीं था किंतु एक साथ सभी यह दुस्साहस करने के लिए तैयार थे। ऊपर पहुंचकर कार्य का सहजता से बंटवारा हो गया। किसी ने बैठक की व्यवस्था की तो कोई सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करने में लगा। आग जलाई गई जिससे समुचित रोशनी का प्रसार हो गया था। आपसी हास परिहास में वातावरण को लेकर चिंताएं धीरे धीरे धुंधली होने लगी। व्याप्त हल्की सी ठंडक से भी सुहावनेपन का एहसास होने लगा था। तेरा अश्वत्थामा तो आने से रहा, इसी बहाने पिकनिक जरूर हो गई, श्रेया ने अंशिका को छेड़ा। लेकिन उसे लेकर जो कहानियां हैं हम उसे तो जांच सकते हैं, अंशिका के भीतर एक आस थी। उसे लग रहा था कि यहाँ अवश्य कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसका अनुभव जीवन भर साथ रहेगा। मंदिर के भीतर चल कर देखते हैं अभी क्या स्थिति है, उसकी फोटोग्राफ खींच लेते हैं, फिर सुबह सुबह देखेंगे कि भीतर क्या हाल है। अगर यहाँ से जुड़ी कहानी सच्ची है तो हमें ताजे चढ़े हुए फूल मिलने चाहिए, अभिनव ने सुझाया। हम बाहर ही बैठे हैं, कोई भी फूल चढ़ाने अंदर गया तो दिखाई देगा, नंदिता ने तर्क दिया। हो सकता है हमें न दिखाई दे, उस जमाने के लोगों के पास क्या शक्तियां थी उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, अंशिका के लिए अश्वत्थामा एक सच्चाई थी। माना तेरी बात लेकिन सुबह हमें शिवलिंग पर ताजे फूल तो चढ़े हुए मिलने चाहिए, प्रज्ञा ने अंशिका के तर्क को मानते हुए कहा। यह प्रयोग करना चाहिए, आओ मंदिर के भीतर चलते हैं, कुमुद ने छात्र छात्राओं की अभिरुचि जगाने के उद्देश्य से कहा। मंदिर का गर्भगृह जिसमें
जिसमें बड़ी सी जलहरी के मध्य छोटे आकार का शिवलिंग स्थापित था। सिंदूर गुलाल तथा फूलों से शिवलिंग एवं जलहरी को सज्जित किया गया था। पीतल के कलश को भी चैन के माध्यम से लटकाया गया था, जिसमें पुजारी द्वारा भरा गया जल एक छिद्र के माध्यम से बूंद बूंद कर शिवलिंग पर टपकता रहता था। सभी छात्र छात्राएं इस तरह गर्भगृह का मुआयना कर रहे थे मानो किसी मंदिर के भीतर नहीं अपितु प्रयोगशाला में। हम शिवलिंग पर चढ़े बासी फूल हटा देते हैं, नंदिता ने सुझाव दिया। ठीक है, दरवाजे को बाहर से लगा देते हैं, किसी के आने की आहट का अंदाजा हम लोगों को हो जाएगा। प्रज्ञा की भी रुचि प्रयोग में थी। हम जनश्रुतियों और इतिहास के सही मायनों को इस तरह समझ सकते हैं, कुमुद ने अध्यापन आरंभ कर दिया था। जनश्रुतियों में भी तो इतिहास छिपा होता है, अंशिका बोल पड़ी। हाँ हाँ, मैडम ने कब कहा कि तेरा अश्वत्थामा नहीं आएगा, श्रेया ने छेड़ा। सभी हंस पड़े। अंशिका को पहली बार इस मजाक के भीतर गुदगुदी का अनुभव हुआ था। फूल हटा दिए गए, शिवलिंग तथा जलहरी को धोया गया। पूरी तरह आश्वस्त होने के पश्चात सभी मंदिर का पट बंद कर अहाते में आ गए। रात्रि के वाद्य बज उठे थे और इसमें भी झिंगुर का स्वर सबसे तीखा था। अंशिका का ध्यान चर्चा में कम ही था, वह अंधेरे में उभरती हर आकृति को ध्यान से देख रही। वह उठी और किले की दीवार की ओर टहलते हुए बढ़ गई। सामने ही रहना अंशिका, कुमुद ने टोका। मैं यहीं हूँ मैडम, उसने आश्वस्त किया। ठंडी हवा चल रही थी। अंशिका ने कानों में ईयरफोन ठूसे और मोबाइल पर अपने संग्रह में से किशोर कुमार का गीत सुनने लगी। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते। गीत ने उसे दूसरी ही दुनिया में पहुंचा दिया। गुलाबी लहंगा जमीन पर घिसटता हुआ घास झाड़ियों से खेल रहा। मंदिर और उससे लगकर किले की दीवारों के कारण सभी को यह स्थान सुरक्षित प्रतीत हुआ, अतः अंशिका के समूह से अलग टहलने पर भी किसी को आपत्ति नहीं थी। कैंप फायर के दौरान सभी इतने सहज हो गए कि किले को लेकर उनके भीतर बैठा भ्रम और भय अब महसूस नहीं हो रहा था। चर्चा कुछ थमी तो अंत्याक्षरी खेली जाने लगी। अंशिका आ ना हमारी टीम में, श्रेया ने आवाज दी। शुरू करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अंशिका को टहलते हुए माहौल का जायजा लेना अच्छा लग रहा था। रंग जमने लगा, किले का सन्नाटा गीतों में रम गया। अंशिका किले की दीवार से टिकी ईयरफोन पर किशोर के गीतों में डूबी हुई थी। विभाष ने एक निगाह उस पर डाली और जैसे मोहित हो गया। हल्की रोशनी अंशिका के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके चेहरे का भोलापन किसी अधखिले गुलाब सा प्रतीत हो रहा। गाने की अपनी बारी आते ही विभाष ने अंशिका पर से निगाह हटा ली और अंत्याक्षरी का हिस्सा बन गया। अंशिका की सोच में इस समय अश्वत्थामा था, लगभग 6 फुट से अधिक लंबा और बलिष्ठ, जिसके सिर के मध्य भाग में गहरा चक। एकाएक किसी ने उसका मुंह दबाया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती या चीख पाती, उसे किले की दीवार के दूसरी ओर खींच लिया गया। अंशिका के चारों ओर अंधकार था। उसका मुंह इतनी कसकर दबाया गया था कि वह चीख भी नहीं सकती थी। गले से घुटन की जो आवाज निकाल रही थी, उसका अंत्याक्षरी के बीच साथियों द्वारा सुना जाना संभव नहीं था। उसने महसूस किया कि 4 से 6 लोग हैं जिनके शिकंजे में उसे किसी पंछी की तरह फांस लिया गया है। उसे हथेलियों में उठा लिया गया था। किसी ने कंधा पकड़ा तो किसी ने उसके लगातार पटके जाते पैरों पर काबू पाया। किले के इस हिस्से में रोशनी नहीं पहुंच रही, केवल आवाजें ही अंशिका के लिए अपनी स्थिति को समझने का जरिया थी। चल यहीं पटकते हैं, स्कोर निपटाते हैं। गायब होने का मालूम पड़ते ही इसके साथी ढूंढने लगेंगे। तालाब की तरफ ले चल। तो गाड़ी में ले चल बे, कोई आ गया तो वहीं फेंक के निकल लेंगे। साथ ले चल यार, क्या लड़की है, यहीं मौत कर ले साले, कोई पहचानेगा नहीं और काम भी हो जाएगा। इसके साथी लड़कियां हैं सारी, आ गई तो एक एक हमारी। एक गंदी सी हंसी का स्वर। अंशिका का दिमाग अपने बचाव में तेजी से चल रहा था। इस बीच उसे महसूस हुआ कि अंत्याक्षरी की आवाज बंद हो गई है। अंशिका ने किसी तरह अपना मुंह छुड़ाने में सफलता हासिल की और पूरी ताकत लगाकर चीख पड़ी। अगले ही पल उसका मुंह राक्षसी तौर से दबाने का यत्न किया गया। चीखेगी तो यही मार डालेंगे, सब किले में इसको ढूंढेंगे। तालाब की तरफ ले चल बे, जल्दी जल्दी चल, नहीं तो पीवी सारी उतर जाएगी। और चढ़ जाएगी बे, मस्त है। अंशिका ने स्वयं को खींचे जाते हुए महसूस किया कि उसे घसीट रहे सभी युवक नशे में हैं। वे लड़खड़ा रहे थे लेकिन चाल तेज थी। यह पियक्कड़ आवारा लड़कों का दल था। इस बियाबान में इन लड़कियों को देखकर उनके भीतर के शैतान ने दूसरी योजना बना ली। अंशिका को अपने साथियों की पुकार स्पष्ट सुनाई दे रही थी लेकिन आवाज स्वयं से दूर जाती हुई। उसने स्वयं को असहाय महसूस किया। अंशिका को कोई दिशा बोध नहीं था। जिस स्थान पर उसे पटका गया वह पथरीला था। उसे पीठ पर जाने कितने कांटे चुभते हुए महसूस हुए लेकिन उससे अधिक चोट उसे उन अश्लील हथेलियों से महसूस हो रही थी जो बेशर्म खिलखिलाहट के बीच उसके शरीर पर यहां वहां निर्दयता से रेंग रहे थे। उसे पीठ पर जाने कितने कांटे चुभते महसूस हुए
लेकिन उससे अधिक चोट उसे उन अश्लील हथेलियों से महसूस हो रही थी जो बेशर्म खिलखिलाहट के बीच उसके शरीर पर यहां वहां निर्दयता से रेंग रहे थे। जल्दी कर, खींच खींच इसके कपड़े, यह आवाज उसकी थी जिसने एक हाथ से अंशिका का मुंह दबाया हुआ था। अंशिका ने पूरी ताकत लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, कभी पैर छूटता तो कभी किसी को लात मारकर पीछे ढकेलती, कभी हाथ छुड़ा पाती तो किसी को नोच लेती। एक लड़की तुम लोगों से नहीं संभलती, अंशिका ने महसूस किया कि आवाज सामने से आई। ठीक आगे जो खड़ा था अंधेरे में उसकी कद काठी का अंदाजा ही लग सकता था। हालांकि अंधेरे के बाद भी आधे चांद और जगमगाते तारों की रोशनी में वह आसपास का अनुमान लगा सकती थी। उसे हालात से लड़ना था, वह आत्मसमर्पण नहीं कर सकती थी। उसे अपने ऊपर कोई झुकता हुआ महसूस हुआ, शराब की दुर्गंध उसके चेहरे पर भभक पड़ी। अंशिका ने पूरी ताकत बटोर कर स्वयं को छुड़ाने में सफलता हासिल की, किसी को धकेलती, किसी से जूझती उठ खड़ी हुई और जिधर उसकी समझ में आया दौड़ पड़ी। कई आवाजें उसका पीछा कर रही थी। अबे भाग गई, पकड़ उसे, आगे खाई है, कहां तक भागेगी। अंशिका के पैरों में चप्पल नहीं थी, लहंगा उसे तेज भागने में अवरोधक बन रहा था और जो कुछ उसने अब तक झेला उसकी पीड़ा भी असहनीय थी। ठोकर लगी, वह मुंह के बल गिर पड़ी। अगले ही पल उसने चारों ओर से खुद को घेरा पाया। अंशिका में अब ताकत जवाब दे गई थी। उसने अपनी कमर पर अशालीन हाथों की छुअन महसूस की। उसे लगा कि उसका लहंगा खींचा जा रहा है, लेकिन तभी उसे छोड़ दिया। वह समझ सकती थी कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसके अभर्ताओं को भयभीत कर दिया है। क्या उसके साथियों ने उसे ढूंढ लिया है? अंशिका ने हिम्मत कर स्वयं को खींचा और बैठने का प्रयास किया। आसपास कोई नहीं था, सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी दिखाई पड़ी। क्या इस व्यक्ति से डर कर ही लड़के उसे छोड़कर भाग गए हैं? कौन है यह? आप कौन? अंशिका की आवाज में पीड़ा थी और कृतज्ञता भी। मैं अश्वत्थामा, एक गंभीर और भारी आवाज। मित्रों, आज इतना ही। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।